नमस्कार दर्शकों, मैं राजीव झा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। एसके लाइव के सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। सिलीगुड़ी में वाम मोर्चा की रैली के दौरान पुलिस पर मिट्टी का तेल डालने की घटना के मामले में मुख्य आरोपी सुकृति आंश को किया गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक सुकृति एसएफआई की सदस्य है। याद होगा कि पिछले महीने 24 सितंबर को वाम मोर्चा की तरफ से एक रैली निकाली गई थी और वेनस मोर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला जलाने की कोशिश की गई थी। इसमें एसएफआई के सदस्यों ने भी भाग लिया था। पुलिस ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाने से रोकने की कोशिश की। इसी दौरान सिलीगुड़ी थाने के आईसी देवाशीष बोस और खालपड़ा पुलिस चौकी के ओसी सुबल घोष के शरीर पर मिट्टी तेल डालने की घटना सामने आई थी। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। इसके बाद से सभी आरोपी फरार थे। इस मामले में पुलिस ने हावड़ा से सुकृति को बुधवार को गिरफ्तार किया। हावड़ा से लाने के बाद उसको एनजेपी थाने में रखा गया ताकि किसी प्रकार की समस्या न हो। शुक्रवार को भारी सुरक्षा के बीच अदालत में उसे पेश किया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी माँ भगवती जागरण समिति के द्वारा आगामी 14 अक्टूबर रविवार को वर्धमान रोड स्थित शिवम पैलेस में एक विशाल भगवती जागरण का आयोजन करने जा रही है। समिति के सदस्य संजय शर्मा ने बताया कि माता के इस जागरण में भारत के विख्यात भजन गायक श्री विकास शर्मा, प्रमोद त्रिपाठी व ऋतु पंचाल अपने सुमधुर भजनों से माँ भगवती सहित भक्तों को रिझाएंगे। इस अवसर पर एक नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की जाएगी। भक्तों के इस जागरण समिति में 108 सदस्य हैं, लेकिन विशेष बात यह है कि कोई भी इस समिति का अध्यक्ष एवं सचिव नहीं है। समिति के सदस्यों ने सभी भक्तों को इस आयोजन में पधारने का विनम्र अनुरोध किया है। आज हमने माँ भगवती जागरण समिति की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आगामी 14 अक्टूबर को शिवम पैलेस बर्धमान रोड में हम हमारे भगवती जागरण का 15वां कार्यक्रम जो है 14 अक्टूबर को करने जा रहे हैं। 15वां विशाल भगवती जागरण, इसमें भारत के विख्यात भजन गायक बॉम्बे से प्रमोद त्रिपाठी, कोलकाता से विकास शर्मा और दिल्ली से ऋतु पंचाल आ रही है। और ये प्रोग्राम पूरे उत्तर बंगाल, सिक्किम और भूटान में लोकप्रिय है और काफ़ी संख्या में भक्त लोग इस कार्यक्रम में आते हैं। और इस प्रोग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने सबसे अपील की है जनता से, स्थानीय जनता से, उत्तर बंगाल, सिक्किम, भूटान के सभी लोगों से कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए, देवी के दर्शन करिए और पुण्य के भागी। वन विभाग पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से खरसियांग महकमा में मनाया गया वन बांधव उत्सव। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में वन मंत्री विनय कृष्ण वर्मन ने गाड़ीधुरा के 60 से ज्यादा वनवासियों को चेक प्रदान किया। इसके अलावा बंगाल सरकार के पर्यटन मंत्री गौतम देव व जीटीए अध्यक्ष विनय तामंग के साथ खरसियांग के विधायक डॉ. रोहित शर्मा, दार्जिलिंग जिला शासक जयश्री दास गुप्ता के साथ अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय शिशु कन्या दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को अलीपुर द्वार में माझीवाड़ी ग्राम पंचायत एवं सिनी के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय शिशु कन्या दिवस मनाया गया। इस अवसर पर दो पंचायत समिति के सभापति अनूप दास, CDPO प्रणय दे, सिनी की अलीपुर द्वार जिला संयोजिका मौसमी दास, सिनी कार्यकर्ता सहित विभिन्न स्कूलों से आए छात्र छात्राएं उपस्थित थी। इस कार्यक्रम में बालिकाओं की सुरक्षा से लेकर उनके हक के बारे में जानकारी दी गई। अलीपुर द्वार 2 ब्लॉकर एवं अलीपुर द्वार आर्बान ICDS प्रोजेक्टर संगे सिनी सहयोगित আমরা এখানে বিশ্ব শিশু কন্যা দিবস উদযাপিত করছি এবং এখানে এটা মাঝের ডাবরি যে আমাদের ICDS সেন্টার আছে এখানেই করছি। আজকে আমরা প্রথমে শুরু করব র্যালি দিয়ে একটা, সেই র্যালিতে র্যালি চলাকালীন আমরা একটা ক্যারাটে ডেমোনস্ট্রেশন হবে, তার সঙ্গে একটা স্ট্রিট ড্রামাও হবে বাল্যবিবাহের ওপরে। র্যালির পরে এখানে কিছু কালচারাল অ্যাক্টিভিটি আছে এবং তারপরে মেয়েদেরকে নিয়ে দুটো টিমের মধ্যে একটা ফুটবল ম্যাচ হবে। এবং আজকের এই শুভ দিনে আমরা আর একটা জিনিসও এখান থেকে উদ্বোধন করছি, সেটা হলো অ্যাডোলেসেন্ট রিসোর্স হাব, কিশোরীদের জন্য একটা সেফ প্লেস বা কিশোরী ক্লাব, মানে যেখানে কিশোরীরা এসে তাদের নিজেদের মতো সময় কাটাতে পারবে, কিছু শিখতে পারবে, তাদের পার্টিসিপেশনটা থাকবে। আব সময় হো চুকা হ্যায় ব্রেক কা, মিলতে হ্যায় ব্রেক কে বাদ। এক কাহাবত হ্যায় জিসকা কাম উসি কো সাজে, অর করে তো ডান্ডা বাজে, তো বেহুনরো সে বচিয়ে অর হুনরমন্দ কো হি কাম দিজিয়ে। Photos and videos are memories for life. Leave it for professionals.
For photography and videography, contact Somani Institute of Digi Vision and Productions. Mobile number 943402318 3. দি ম্যাজিক টাচের প্রযোজনায় শিলিগুড়িতে আসতে চলেছে এবছরের সেরা পুজো নির্বাচনী প্রতিযোগিতা। অংশগ্রহণ করতে ও বিশদ জানতে ক্লাব ও পুজো কমিটিগুলি শীঘ্র যোগাযোগ করুন 9933522222 অথবা 9800600666 নম্বরে। ব্রেক কে বাদ খবরে বিস্তার সে। सिलीगुड़ी ईस्टर्न बाईपास संलग्न इलाके से कई दिनों से फरार भू माफिया विद्युत साहा को भक्तिनगर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुछ महीनों में 40 से अधिक भू माफियाओं को सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी क्रम में एक और भू माफिया का नाम जुड़ गया है और वह है विद्युत साहा। उक्त व्यक्ति पर सिलीगुड़ी के चैनपाड़ा में जमीन खरीदने एवं बेचने को लेकर हजारों शिकायतें मिली हैं। पिछले कुछ दिनों से वह अपने घर से लापता था। आज जैसे ही उसने अपने घर में कदम रखा तो भक्तिनगर थाने की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जलपाईगुड़ी अदालत में भेज दिया। मिरिक में प्रेमचंद ग्रामीण पुस्तकालय भवन निर्माण कार्य का किया गया पूजा अर्चना के साथ शिलान्यास। मिरिक नगर पालिका अध्यक्ष एलबी राय एवं वार्ड नंबर 5 कृष्णनगर की वार्ड पार्षदिका श्रीमती बनीता राय की उपस्थिति में एक पूजा अर्चना की गई। लगभग 21 लाख रुपए की लागत से 2 तल्ले भवन का निर्माण होने जा रहा है। इसके भूतल में पुस्तकालय व कार्यालय व ऊपरी के तल्ले में संवेदन कक्ष का निर्माण कराया जाएगा। राजा प्रेमचंद ग्रामीण पुस्तकालय जो विगत को 104 दिन को आंदोलन में जो चलाइएको थियो त्यस लाइब्रेरी को आज यहाँ भूमि पूजा भर्खर मात्र सम्पन्न गरियो र यो विशेष गरेर हाम्रा पुस्तकालय विभागीय तौरको अनि पुस्तकालय जिल्ला अध्यक्षको विशेष पहलमा उहाँले यो निर्माण कार्यको निम्ति आज यसरी सम्पन्न भएर आज हामीले स्थानीय कन्ट्र्याक्टर सिलीगुड़ी के आशीघर पुलिस चौकी अंतर्गत फकदोई बारी इलाके में एक व्यक्ति ने की आत्महत्या। पेशे से गाड़ी चालक था मृतक। व्यक्ति का नाम संटू दास है। बुधवार रात को उसकी पत्नी अपने घर चली गई थी। गुरुवार सुबह को उसका झूलता हुआ शरीर स्थानीय लोगों ने उसके अपने घर में देखा और पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही आसीगर पुलिस चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को उतारकर सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में जांच के लिए भेज दिया। परिवार से मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले संटू की दुर्घटना हो गई थी। इसके बाद से वह घर पर ही रह रहा था। उसका कोई संतान नहीं था। पत्नी किसी प्रकार से परिवार चलाती थी। अभाव में ही उसकी जिंदगी गुजर रही थी। इसीलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि गरीबी में जीवन यापन करने और खुद को काम लायक नहीं समझने के कारण उसने आत्महत्या किया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। मैटली ब्लॉक स्थित माध्यमिक शिक्षा केंद्र के सहायक और सहायिकाओं ने संयुक्त रूप से अपनी सम्मानित यानी वेतन की मांग में ग्राम पंचायत समिति के सभापति और मैटली बातावारी 1 नंबर पंचायत के प्रधान को दिया ज्ञापन। माध्यमिक शिक्षा केंद्र के सहायक सहायिकाओं को पिछले 3 महीनों से उनका सामान्य बकाया है। अपनी मांग को लेकर बुधवार को इन्होंने मैटली ब्लॉक के वीडियो को एक ज्ञापन दिया था। अब ग्राम पंचायत समिति के सभापति और मैटली बातावारी 1 नंबर पंचायत के प्रधान को ज्ञापन दिया है। इनका कहना है कि दुर्गा पूजा सर पर है लेकिन पिछले 3 महीने से उनका सम्मानित नहीं मिला है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द सम्मानित प्रदान की जाए। अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे। खरसियांग के नज़दीक सोनादा मॉडल स्कूल के द्वारा वार्षिक सांगीतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन जिसमें बच्चों को भाषा एवं सांस्कृतिक के बारे में दी गई जानकारी। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में सोनादा पचेंग समिति के पूर्व सभासद महेंद्र प्रधान उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को अपने भाषा और संस्कृति के बारे में जानकारी देना और वर्तमान समय में वीडियो गेम के बढ़ते प्रचलन से दूर रखना था। अब तक के लिए इतना ही। आगे बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।